अस्सलाम वालेकुम। मैं मोना। बाकी किधर स्टूडेंट सारे? बस अभी आप ही हो। अच्छा, बाकी किधर हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे टीचर टाइम पे आए होते हैं, स्टूडेंट्स होते ही नहीं है। पांच मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा फरहीन, आपने मुझे ग्रुप की लिस्ट बना के नहीं दी, तो ग्रुप्स मैंने खुद ही बना ली है। ठीक है, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। अब मैंने ग्रुप्स अपनी मर्जी से बनाए, फिर मुझे कोई नहीं कहेगा कि मैंने इस ग्रुप में जाना है या इस ग्रुप में जाना है, क्योंकि इतने दिन वेट करके ही मैंने खुद बना दी है। जी, कौन बताएगा प्रपोजल में और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है?
हाँ जी ठीक है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपके प्रपोजल में आते हैं और 5 टोटल आपके प्रोजेक्ट में आते हैं, ठीक है। ये तो चैप्टर्स है ना, अगर मेन डिफरेंस बताना हो कि दोनों में क्या डिफरेंस, तो वो क्या बताएंगे? ये ठीक है, प्रपोजल क्या है, प्लान है, ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन के क्या चीजें हम करने जा रहे हैं, जब हम एक्शन कर लेते हैं, वो सारी चीजें कर लेते हैं, तो आपका प्रपोजल प्रोजेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। प्रपोजल आपका बेसिकली क्या है, प्लान। आप प्लानिंग देते हो कि आप फ्यूचर में ये चीजें या इस टॉपिक पे रिसर्च करोगे, तो उसमें क्या क्या चीजें यूज करोगे, ये आपका प्रपोजल है। और प्रोजेक्ट में जब आप वो काम कर चुके होते हो, डेटा डेटा कलेक्ट कर लेते हो, उसको एनालिसिस कर लेते हो, उसके रिजल्ट इंटरप्रेट कर देते हो, तो तब आपके पास वो जो प्रपोजल है वो प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपने वो सारी चीजें एक्चुअली में परफॉर्म कर ली होती हैं, ठीक है। प्रपोजल में आपने जो हाइपोथेसिस दी होती है वो आप लोग टेस्ट कर लेते हैं, कौन सा हाइपोथेसिस आपको एक्सेप्ट हुआ है, कौन सा रिजेक्ट हुआ है, तो तब आपका प्रपोजल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आज यही रिवाइज करते हैं कि प्रपोजल में क्या क्या चीजें शामिल है। उससे पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने टॉपिक डिसाइड करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों ने डिसाइड किए हैं वो बताओ मुझे सब। किसी भी डिजीज पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि आप लोग गैप स्टडी ही करो, नॉलेज देख लो, प्रैक्टिसेस देख लो, एटीट्यूड देख लो या बिहेवियर देख लो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें में से कोई एक चीज भी आपकी स्टडी में आ सकती है, तीनों भी आ सकती हैं, दो भी आ सकती हैं, ठीक है। ये इंक्लूड करके आप किसी भी डिजीज से रिलेटेड अवेयरनेस देख सकते हो या प्रैक्टिसेस देख सकते हो, किस डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं कि नहीं करते, और उनका बिहेवियर कैसा है, वो थिंकिंग कैसी है, वो उस डिजीज को कैसा सीरियस लेते हैं कि नहीं लेते, ठीक है। तो ये तीन तीन तीनों वेरिएबल्स में से आप तीनों वेरिएबल्स भी मेंशन कर सकते हो, किसी एक वेरिएबल पे भी काम कर सकते हो, दो पे भी कर सकते हो। अच्छा मैं कोई एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हैंड वॉशिंग से रिलेटेड नॉलेज देखना चाह रही हूँ या प्रैक्टिसेस देखना चाह रही हूँ, तो मैं मेरा जो बनेगा टॉपिक वो ये होगा नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग हैंड हाइजीन। अभी मैं किन में देखना चाह रही हूँ, अमंग नर्सिस में देखना चाह रही हूँ, तो नर्सिंग नर्सिस कहाँ की नर्सिस होगी, अमंग नर्सिस ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन लाहौर, ठीक है। इस तरह का आप लोग कोई टॉपिक बना सकते हो। ये तो हैंड वॉशिंग कॉमन टॉपिक है, ठीक है, इसमें काफी सारी स्टडीज हो चुकी हैं, इसलिए इस पे स्टडी करने कोई फायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए और ऐसा जिसपे कम रिसर्चेज हो।
कोविड पे भी आप लोग कर सकते हो। टॉपिक बना के बताओ मुझे। जॉब सेटिस्फेक्शन पे भी काफी स्टडीज हो चुकी हैं, कोई और देख लो। जी बताओ टॉपिक्स। अच्छा, ये कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी में स्टडी करोगे, ठीक है। आप नर्सिस, आपकी पॉपुलेशन नहीं होगी, कम्युनिटी आपकी पॉपुलेशन होगी। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे अभी आपसे प्रीवियस से प्रीवियस बैच ने इस पे स्टडी की है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हाँ जी, सारे लिखो टॉपिक्स, तब तक आसान हो जाए, ठीक है। आप लोग अपने टॉपिक्स लिख के बताओ मुझे।
जी आवाज आ रही है मेरी? मैं वॉइस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्सेस का। मैंने पूछा कि आपने टॉपिक लिख के बताओ, तो मुझे बताओ टॉपिक लिख के। अच्छा ठीक है मारिया, आपने अपना टॉपिक बताया है ड्रग एडिक्शन पे, ठीक है। इस पे आप पूरा टॉपिक बना के बताओ और इस पे आप अपना ग्रुप डिसाइड कर लो और काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे जैसे आप साथ साथ चलते जाओगे आप लोगों के लिए बेहतर है। आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है, बाकी ने भी कोई टॉपिक डिसाइड किया तो वो लिख के बता दो, जितना जल्दी आप लोग स्टार्ट करोगे आपके लिए बेहतर है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कोई पता नहीं होता। ठीक है, फ्यूचर का कोई पता नहीं, मे भी नेक्स्ट में ना फर्दर चलूँ, तो इसलिए बेहतर है जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ आप लोग साथ साथ काम करते जाओ। अच्छा, आज हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है, इंट्रोडक्शन रिवाइज भी करना है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है जो हम फॉलो करेंगे, स्टेप्स क्या हैं रिसर्च इंट्रोडक्शन की, वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमारे का ये ड्रग एडिक्शन टॉपिक सिलेक्ट हो गया। इस तरह जिन जिन के सिलेक्ट होते जाएंगे वो फिर उस वो सेम टॉपिक दोबारा कोई ग्रुप नहीं रखेगा। अच्छा, फॉलोइंग पार्ट्स हैं इंट्रोडक्शन के, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी है, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी, पर्पस ऑफ द स्टडी, रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, ये सारे कंटेंट या टॉपिक्स आपके इंट्रोडक्शन में आएंगे। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे तब आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन हमें किस किस चीज के आंसर्स देता है, किस क्वेश्चंस के, व्हाट आई स्टडी, मैं स्टडी क्यों कर रही हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, रीडर्स इसको क्यों रीड करे, व्हाट डू वी नो ऑलरेडी अबाउट इट, क्या चीजें हैं जो ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड मैं जानती हूँ, व्हाट बेसिस डू आई नीड टू प्रोवाइड सच दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड माई स्टडी, ठीक है, एंड किन बेसिस पे मैं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी जो रीडर है वो अंडरस्टैंड इजीली अंडरस्टैंड करें मेरी स्टडी, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं अपनी स्टडी में क्या करना चाह रही हूँ। इंट्रोडक्शन में 4 रेलिवेंट आइडियाज है जिसमें टॉपिक आप बताते हो, सब्जेक्ट मैटर जिस पे आप स्टडी करते हो, इंपॉर्टेंस क्या है आपके टॉपिक का, क्या आपने टॉपिक क्यों चूज किया, क्या रोल प्ले कर रहा है ये लाइफ में और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप इस पे स्टडी करते हो, रीजन क्या है आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया, क्या फैक्टर्स है जिसने आपको मोटिवेट किया ये टॉपिक सिलेक्शन का, पर्पस बताओ कि आप इस स्टडी में क्या देखना चाह रहे हो, नॉलेज देखना चाह रहे हो, प्रैक्टिस देखना चाह रहे हो, क्या देखना चाह रहे हो अपनी स्टडी में। आपका इंट्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए जैसे एज अ हुक को, ठीक है, जो अपने काव रीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे कि आपके टॉपिक को वो रीड करें कि वाकई ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है और इसको रीड आउट करने की जरूरत है। इंट्रोडक्शन आप जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ मूव करोगे। अब ये जनरल टू स्पेसिफिक आप कैसे मूव करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ड्रग एडिक्शन की एग्जाम्पल लेते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम जनरल टू स्पेसिफिक कैसे मूव करेंगे। जी मारे आप बताओ कोई आइडिया,
जनरल स्पेसिफिक हम इंट्रोडक्शन में कैसे चलेंगे। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही तो पार्टिसिपेशन भी तो करो ना आप लोग, नहीं करनी तो फिर मैं ऐसे चलती जाती हूँ। ठीक है, जनरल स्पेसिफिक हम कैसे करेंगे? जैसे ड्रग एडिक्शन है तो जनरल में क्या होगा, ड्रग एडिक्शन का हम प्रेवलेंस अगर बताएंगे कितने परसेंट प्रेवलेंस ड्रग एडिक्शन में है, तो हम ओवरऑल वर्ल्ड में बताएंगे कि ड्रग एडिक्शन का प्रेवलेंस ओवरऑल कितना है। स्पेसिफिक में जब हम आ जाएंगे तो हम स्पेसिफिक में पाकिस्तान पे इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में ड्रग एडिक्शन से का प्रेवलेंस कितना है, उससे ज्यादा स्पेसिफिक आओ तो अगर आप लाहौर में कर रहे हो, सिटी में कर रहे हो, तो आप लाहौर में बता दो कि लाहौर में ड्रग एडिक्शन का प्रेवलेंस इतने परसेंट आता है। तो आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन आप जनरल टू स्पेसिफिक मूव करोगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपके गोल ऑफ द स्टडी की स्टेटमेंट इंक्लूड होती है। ठीक है, कि आप ये स्टडी क्यों करना चाह रहे हो, आपका कॉन्टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए कि रीडर का इंटरेस्ट कैप्चर करे। ठीक है, रीडर अंडरस्टैंड करे और उसको हो कि मैंने ये टॉपिक को पढ़ना है, कि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसमें रिसर्चर क्या रिसर्च करने जा रहा है। इंट्रोडक्शन में आपका बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी होगा। ठीक है, वो ब्रॉड से आपकी स्टडी का नैरो होता जाएगा। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आप अपने बैकग्राउंड में दोगे, थोड़ी भी नहीं दोगे कि बिल्कुल आपको टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं करो, ना ही आप एक्स्ट्रा दोगे कि उसको पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए, जितनी उसकी सिग्निफिकेंट आपको लगती है कि इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, इतनी आप सफिशिएंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दोगे। रिव्यू आप करोगे कि कौन क्या चीजें आप ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड जानते हो और कौन सी चीजें मिसिंग है जिसको आप फर्दर लेके उस पर स्टडी करोगे। साइट रिलेवेंट रेफरेंसेस और जो जहाँ जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेते जाओगे, आप उनके रेफरेंसेस को कोड करते जाओगे। ठीक है, अगर आप रेफरेंसेस कोड नहीं करोगे तो इसका मतलब आप प्लेजरिज्म कर रहे हो, आप कॉपी पेस्ट चीजें कर रहे हो, आप किसी को रेफरेंस नहीं बता रहे कि आपने ये चीजें या इन्फॉर्मेशन यहाँ से पिक की है। तो रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। Give enough references such that a reader could by going to the library or online achieve a sophisticated understanding of the context and significance of the question. ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन यहाँ ये वो नहीं है कि सारी चीजें ही आप टोटली ही यहाँ पे एक्सप्लेन करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल इंट्रोडक्शन ही देंगे, इससे ज्यादा चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और जहाँ जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेते हो वहाँ टोटल आपके रेफरेंसेज उतने ही मैंशन होने चाहिए। अगर आपने 10 साइड से कोई इन्फॉर्मेशन लिए तो 10 रेफरेंसेज ही आपकी स्टडी में इंक्लूड होने चाहिए। वो ओवरऑल इंट्रोडक्शन बताया गया था। ठीक है, अब उसमें से इंट्रोडक्शन में से जो पॉइंट 1 आता है वो है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड में बताते हैं कि हम सारे अपने टॉपिक से रिलेटेड बैकग्राउंड बताते हैं कि बैकग्राउंड उसका क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन है तो ड्रग एडिक्शन की डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, ड्रग एडिक्शन किन किन लोगों में कॉमन है वो बताएंगे, ड्रग एडिक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उसका प्रेवलेंस कितना है, ये सारी चीजें हम अपनी बैकग्राउंड में बताएंगे। बैकग्राउंड हमारे पास क्या है, ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द फैक्टर्स व्हिच हैव लेड टू द प्रॉब्लम, कंप्राइज द प्रॉब्लम एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो हमारी प्रॉब्लम है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है, वो हमारे अंदर टॉपिक जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम अपने बैकग्राउंड में बैकग्राउंड भी उसका सारा बताएंगे कि ये चीजें आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो अपने बैकग्राउंड में शामिल करोगे। ये एक एग्जांपल बता दी गई है कि बैकग्राउंड स्टडीज ने कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको सर्च करके भी बता दूंगी, ड्रग एडिक्शन तो ही हम लेके फर्दर चलेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, मैं आप बताओगे आप ये टॉपिक सिलेक्ट किया है तो इसे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, एज अ रिसर्चर आपको क्या बेनिफिट है, एज अ इंडिविजुअल क्या बेनिफिट है, इसे फर्दर मूव करने चाहे तो सोसाइटी या एज अ कम्युनिटी को आपके टॉपिक से क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में लिखा है यू स्टार्ट ऑफ ब्रॉडली देन
ऑफ ग्रेजुएट टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और पर्सन। ठीक है, तो आप पहले बताओगे कि इस टॉपिक से आपकी कम्युनिटी को क्या फायदा हो रहा है, सोसाइटी को क्या फायदा होगा, उससे आप क्या डाउनवर्ड देखते जाओगे, उससे बाद में इंडिविजुअल लेवल पे क्या फायदा होगा, जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है उसको क्या फायदा होगा। तो सिग्निफिकेंस में आप ये चीजें बताते हो, बेनिफिट्स बताते हो, जस्टिफिकेशन में आप रीजन देते हो, रेशनल लेते हो कि आप ये टॉपिक क्यों चूज कर रहे हो। ठीक है, हम ये अगर बात करें ड्रग एडिक्शन की, तो हम कह सकते हैं कि ड्रग एडिक्शन का प्रेवलेंस ज्यादा है, ज्यादा लोग ड्रग एडिक्टेड हैं, इसलिए ये मैंने टॉपिक चूज किया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा कि इस बेस पे मैंने ये टॉपिक चूज किया है। जब आप इस पे स्टडी कर लोगे, तो आप इसके क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे वो आप अपने सिग्निफिकेंस में बता दोगे। ठीक है, ये वो प्लेस है जिसपे आप रिसर्चर है वो कन्विंस करता है ऑडियंस को कि उसकी जो रिसर्च है वर्थ डूइंग है। ठीक है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। वो तो वो जो रीडर्स है वो ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी पढ़ता है, किस रीजन की बेस पे वो ये टॉपिक को लेके इस पे स्टडी कर रहा है। डिफरेंस दोनों में क्या है, सिग्निफिकेंस हमें किन किन चीज के आंसर देता है, किन क्वेश्चन के, हु एंड हाउ हु विल बेनिफिट फ्रॉम द करंट स्टडी एंड हाउ विल दे बेनिफिट। ठीक है, कौन आपकी स्टडी से बेनिफिट लेगा और कैसे लेगा। जस्टिफिकेशन हमें क्या आंसर देता है, हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं और क्या फैक्टर्स थे जिसने आपको प्रमोट किया या आपको इनकरेज किया कि आप ये करंट स्टडी करो। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन की फॉर्म है। अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखो, तो यहाँ पे दो रिसर्च क्वेश्चन बनाए हुए हैं उन्होंने, जिनके उन्होंने आंसर देखने हैं रिसर्च करके। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ स्क्वैश फ्रूट स्टॉक दैट प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑइंटमेंट फॉर द इंफ्लामेशन कास्ट बाय लिपा प्लांट। ठीक है, तो वो देखना चाह रहे हैं जो स्क्वाश फ्रूट है उसकी कितनी प्रोपोर्शन रिक्वायर है जो लिपा प्लांट से इन्फ्लेमेशन होती है उसको खत्म करने के लिए। तो ये उनकी रिसर्च प्रॉब्लम है, इस पे उन्होंने स्टडी करनी है। दूसरी इनके पास क्या प्रॉब्लम है, इज द ऑइंटमेंट प्रोड्यूस आउट ऑफ स्क्वाश फ्रूट स्टॉक एक्सट्रैक्ट मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट देन द कमर्शियल ऑइंटमेंट। ठीक है, तो जो फ्रूट स्टॉक से जो उनकी ऑइंटमेंट बनेगी वो ज्यादा इफेक्टिव या एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू कमर्शियल जो ऑइंटमेंट मिलते हैं। तो ये उनके पास दो रिसर्च प्रॉब्लम है, यानी रिसर्च क्वेश्चन आ गए जिनके वो आंसर अपनी रिसर्च में ढूंढेंगे। इस तरह ये कुछ एग्जांपल बता दी गई है स्टेटमेंट में प्रॉब्लम्स में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जिनके वो आंसर रिसर्च करके देखेंगे। जब वाइटनिंग प्रोडक्ट्स की एड आते हैं टीवी पे, ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि क्या इफेक्ट होता है वाइटनिंग प्रोडक्ट्स को जब वो टीवी पे देखते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि वो उनका उनपे टीनेजर की क्या वो सोचते हैं कि कितने वाइटनिंग प्रोडक्ट इफेक्टिव हैं जो वो टीवी पे देखते हैं, क्या टीनेजर्स वो वाइटनिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं जो वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। टीवी एडवर्टाइजमेंट्स वाइटनिंग प्रोडक्ट्स के यूजेस के बारे में नॉलेज इनफ देते हैं जो टीनेजर्स यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो स्टडी करके इनके आंसर फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, आप लोग 10 मिनट की ब्रेक कर लो, ठीक है, नमाज के लिए, फिर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस लगा लो आप अपनी देर।
अच्छा अटेंडेंस 23 की, अब 18 लोग हो गए, तो दोबारा सब अटेंडेंस लगाओ। नेम लिखने के लिए सिंपल आप यस लिख लो। ठीक है, सभी दोबारा अटेंडेंस लगाओ, यस लिखो अपने नेम में। अच्छा नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, टेंटेटिव प्रेडिक्शन होती है। ठीक है, जो हम रिलेशनशिप देखने चाह रहे हैं वेरिएबल्स के दरमियान में। हाइपोथेसिस में एक्स दी फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन रिसर्च स्टडी प्रोवाइड क्लैरिटी टू रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या करती है, क्लैरिटी प्रोवाइड करती है हमें। ठीक है, हमें क्लियर होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है या रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। इट डिस्क्राइब्स एक्सप्लेन प्रेडिक्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट और आउटकम ऑफ द रिसर्च। ठीक है, हाइपोथेसिस हमें क्या कहता है, प्रिडिक्शन दे रहा होता है कि हमारे रिजल्ट या आउटकम क्या आएंगे। डिटेल्स द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। हाइपोथेसिस को देखें, हमें ये भी आइडिया देता है कि रिसर्च डिजाइन इस पे कौन सा अप्लाई कर रहा है रिसर्चर। इट आइडेंटिफाइज द पॉपुलेशन ऑफ अ रिसर्च स्टडी दैट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड और एग्जामिनर। हाइपोथेसिस में हमें पॉपुलेशन का भी आइडिया हो जाता है कि किस पॉपुलेशन में वो रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कौन कौन सी है, बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप नहीं था डिस्कस किया, तो आज ये भी देख लेंगे। नंबर वन पे हम देखते हैं बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, जो हम रिसर्च में यूज करते हैं वो हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही यूज करते हैं। नल में क्या होता है कि हम प्रिडिक्ट दे रहे होते हैं, प्रिडिक्शन के रिलेशनशिप नहीं होगा वेरिएबल्स के दरमियान जिसमें वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इससे अल्टरनेटिव हो जाएगा नल का, कि इसमें रिलेशनशिप हम दे प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि इसमें रिलेशनशिप आएगा वेरिएबल्स के दरमियान में। नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट रिप्रेजेंट करते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एच वन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस को हम साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी कहते हैं, सब्सटेंशिएटिव एंड थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली हम रिसर्च हाइपोथेसिस को ही टेस्ट कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च में। ठीक है, ये एग्जांपल बता दी गई एच नॉट और एच वन में। एक ये एग्जांपल है बायो फर्टिलाइजर का इफेक्ट देख रहे हैं वो प्लांट ग्रोथ पे। ठीक है, अभी जो आपकी हाइपोथेसिस बनेगी प्रॉपर स्टेटमेंट में ही बनेगी। जैसे इसमें नल हाइपोथेसिस है कि एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स, एक्स क्या है, बायो फर्टिलाइजर का एक नेम बता दिया गया कि एक्स कोई फर्टिलाइजर है जिसको यूज करें टू नॉट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। तो ये इनका हाइपोथेसिस है कि बायो फर्टिलाइजर एक्स है उससे प्लांट ग्रोथ इंक्रीज नहीं होती। इसका ऑलरेटिव आप देखो तो वो कह रहे हैं कि जब हम बायो फर्टिलाइजर एक्स को अप्लाई करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस वक्त इनके पास जो रिसर्च प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो इफेक्ट देखना चाह रहे हैं बायो फर्टिलाइजर एक्स का प्लांट ग्रोथ पर, इस पर उन्होंने दो हाइपोथेसिस बना ली है। अगर हम नंबर्स की बेस पे बात करें वेरिएबल्स की, तो ये सिंपल हाइपोथेसिस है और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है। सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होगा, आपका एक ही
इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में अगर हम देखें तो हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, इसी तरह दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होंगे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम मल्टी वेरिएट हाइपोथेसिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल बता दी गई है सिंपल हाइपोथेसिस की, ठीक है, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें टू आर्ली पोजीशन चेंजिंग ऑफ अ फुली बेड रिडन पेशेंट विल प्रिवेंट बेड सोर, ठीक है। वो इसमें टू आर्ली पोजीशन क्या है, इनके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बेड सोर वो डिपेंड करे उनकी पोजीशन पे। ठीक है, तो इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप नर्सिस में नहीं देखोगे, ठीक है, आप कम्युनिटी में देखोगे क्योंकि कम्युनिटी हमारे लिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो भी हम रिसर्च करेंगे वो हम कम्युनिटी में करेंगे। हैंड वॉशिंग पे काफी हो चुकी है मरियम स्टडीज, तो कोई और देखो। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखो तो ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट मल्टीपल ही डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जैसे एग्जांपल से बताएंगे कि फुली बेड रिडन पेशेंट टू आर्ली पोजीशन चेंजिंग टू आर्ली बैक केयर एंड अ हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट तीन है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिसमें आगे टू आर्ली पोजीशन चेंजिंग का वो देख रहे हैं इफेक्ट देखेंगे, टू आर्ली बैक केयर का इफेक्ट वो देखेंगे, ठीक है, टू वेरिएबल्स हो गए, थर्ड वो हाई प्रोटीन डाइट का इफेक्ट देखेंगे। तो ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आगे विल बिल्ड अप बॉडी रेजिस्टेंस, ठीक है, उनके इफेक्ट से क्या होगा, बॉडी रेजिस्टेंस बिल्डअप होगी। नंबर वन डिपेंडेंट वेरिएबल विल प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन, नंबर टू डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विल प्रिवेंट बेड सोर, ठीक है, बेड सोर से प्रिवेंट कर देंगे। तो ये इनके पास आ गया नंबर थ्री डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस एग्जाम्पल में तीन ही डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और तीन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल वेरिएबल्स आ गए इसमें, तो ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स भी है अगर आप देखो तो इस पे आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी अप्लाई हो सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप आ रहा है कि पोजीशन चेंज करने से, बैक केयर देने से और प्रोटीन डाइट देने से रेजिस्टेंस बिल्डअप होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही है, ब्लड सोर्स से प्रिवेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बन सकते हैं। हेमोडायलिसिस नर्सिस में नहीं हमने देखना, ठीक है, हम कम्युनिटी में देखेंगे, तो इसलिए कोई और टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही बता दिया गया कि तीन इंडिपेंडेंट थे और तीन ही डिपेंडेंट वेरिएबल से। डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन की बेस पे अगर आप बात करते हो तो इसमें डायरेक्शन में इसमें डायरेक्शन कोई बता दी गई होती है, ठीक है। एग्जांपल है हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन विल लीड टू हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस स्किल्स। अब इसमें क्या है, डायरेक्शन बता दी गई है कि हम जैसे ही नर्सिंग एजुकेशन क्वालिटी को हाई करेंगे उससे नर्सिंग प्रैक्टिस स्किल्स भी हाई होगी, तो इसमें डायरेक्शन बता दी गई है, ठीक है। अब ये डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हो गया है कि एजुकेशन देने से नर्सिंग प्रैक्टिसेस भी इंप्रूव होंगी। नॉन डायरेक्शनल जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं बता दी गई होती है रिलेशनशिप के दरमियान, ठीक है, जैसे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स लर्निंग। आप टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बता दीजिए कि वो इफेक्ट करता है स्टूडेंट्स की लर्निंग पे, लेकिन ये नहीं बताइए कौन सा रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसमें अच्छा रिलेशनशिप भी आ सकता है, इसमें बैड रिलेशनशिप भी आ सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं बताई, सिंपल बता दी कि टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग पे इफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने लास्ट टाइम भी की थी, ओल्डर पेशेंट्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ फॉलिंग देन यंगर वंस, ये एक स्टेटमेंट है। इस पे डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस हमने देखने हैं। नंबर वन पे अगर हम देखें ओल्डर पेशेंट्स आर मोर एट रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ फॉल देन यंगर वंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन बता दी गई कि ओल्डर पेशेंट्स ज्यादा रिस्क में है एज कम्पेयर टू यंगर वंस, तो ये डायरेक्शन हाइपोथेसिस आपका आ गया। नंबर टू पे आप देखो तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एज ऑफ अ पेशेंट एंड द रिस्क ऑफ फॉलिंग, सिंपल ये क्या कि रिलेशनशिप है पेशेंट की एज का और रिस्क ऑफ फॉलिंग पे, लेकिन क्या
कितना है कि वो यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शनल हाइपोथेसिस नहीं, तो ये आ गया नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नंबर थर्ड पे आप देखो, द ओल्डर द पेशेंट द ग्रेटर द रिस्क दैट ही और ही विल फॉल। अब यहाँ पे डायरेक्शन बता दी गई कि जैसे जैसे पेशेंट की एज ज्यादा होती जाएगी, ठीक है, उनमें चांसेस ऑफ फॉलिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू यंगर्स वन। ओल्डर पेशेंट्स डिफर फ्रॉम यंगर वन्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्क ऑफ फॉलिंग। अब फोर्थ में सिंपल बताया गया डिफरेंस है, लेकिन वो कितना डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं बताई, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस है, कम है, क्या रीजन है, यहाँ पे नहीं बताई। तो इसका मतलब ये आपके पास नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस आ गया। नंबर फिफ्थ पे आप देखो, तो यंगर पेशेंट टेंड टू बी लेस एट रिस्क ऑफ फॉलिंग देन ओल्डर पेशेंट। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया कि जो यंगर पेशेंट है उनमें रिस्क कम है एज कम्पेयर टू ओल्डर पेशेंट। तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन हाइपोथेसिस। द रिस्क ऑफ फॉलिंग इंक्रीजेज विद द एज ऑफ पेशेंट। अब यहाँ पे बताया गया है कि रिस्क ऑफ फॉलिंग ज्यादा है जैसे जैसे पेशेंट की एज इंक्रीज होती है। तो यहाँ ये भी आपके पास डायरेक्शन हाइपोथेसिस आ गया। लास्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें हमारे पास होता है कॉजल हाइपोथेसिस एंड एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। कॉजल में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव में हम कोरिलेशन देखते हैं। कॉजल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, कॉजल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल बता दी गई कि अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव एम्बुलेशन विल लीड टू प्रमोट रिकवरी, ठीक है। कि जैसे हम पोस्ट ऑपरेटिव एम्बुलेशन ज्यादा जल्दी करते हैं, उससे क्या होता है, पेशेंट की रिकवरी भी ज्यादा होती है। तो इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें हमारा क्या एक्सपेरिमेंट है, ये ट्रीटमेंट ग्रुप जो हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव एम्बुलेशन है, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हमारा आउटकम वेरिएबल है, देखिए उससे रिकवरी इंप्रूव होगी। एसोसिएटिव में हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे हमने को रिलेशन पढ़ा था, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप एंड नो रिलेशनशिप, ठीक है। इस तरह इसमें हम पॉजिटिव एसोसिएशन देखते हैं और नेगेटिव एसोसिएशन देखते हैं। पॉजिटिव एसोसिएशन हमारे पास कब होती है, जब दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। चाहे तो दोनों इंक्रीज हो रहे हो या चाहे दोनों डिक्रीज हो रहे हो, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी तो आपके पास पॉजिटिव एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन ये होगी कि एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो हमारे पास आ गई नेगेटिव एसोसिएशन। अब यहाँ पे एग्जांपल बता दीजिए कि एक हाइपोथेसिस आपका टू पे फॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल हाइपोथेसिस भी है और ये नल हाइपोथेसिस भी है। सिंपल इस पे होगा कि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है। नल मीन इसमें नॉट वर्ड यूज है, इट मीन ये सिंपल नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। बेड रेस्ट विल नॉट रिलीज स्वियर एस्टमेटिक डिस्निया। अब इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपका क्या है, बेड रेस्ट, ठीक है, और आपका सिमेटिक डिजनी डिपेंड कर रहा है बेड रेस्ट पे। तो ये एक ही इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल को यूज किया है, और इसमें नोट का वर्ड है कि मींस बेड रेस्ट से कोई इफेक्ट नहीं होता है सिमेटिक डिजनी पे। तो इट मींस ये आपके पास सिंपल नल हाइपोथेसिस भी आ गया। कॉम्प्लेक्स नल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस मीन्स इसमें अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी ज्यादा हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी ज्यादा हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास आ गए स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म एंड तंबाकू, ठीक है। अब ये चार हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। वो कह रहे हैं कि हैव नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है इन द अकरेंस ऑफ मेरिया, मम्स एंड चिकन पॉक्स। अब इसमें हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए, तो इट मीन्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है एंड कॉम्प्लेक्स नल हाइपोथेसिस है। कॉजल नल हाइपोथेसिस में क्या है, हाई इनटेक ऑफ फ्लूड डज नॉट कॉज टिश्यू एडिमा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हाई इनटेक फ्लूड लेने से एडिमा कॉज नहीं होता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास हाई फ्लूड इनटेक है, वो क्या बता रहे हैं कि डज नॉट हैव एनी कॉज रिलेशनशिप विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज टिश्यू एंड टिश्यू एडिमा, ठीक है। तो ये कॉजल नल हाइपोथेसिस आगे कॉज इफेक्ट का आपस में रिलेशनशिप नहीं है। हाइपोथेसिस आपके कैसे होने चाहिए, हाइपोथेसिस में आपकी वो चीजें शामिल होनी चाहिए जिसमें आपको अगले को पता चले कि आप अपने रिसर्च में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो, ठीक है। हाइपोथेसिस आपके क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, टेस्टेबल होने चाहिए, जिसको आप टेस्ट कर सकें, मेजर कर सकें, और आपके हाइपोथेसिस में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों होने चाहिए।
सोर्स हाइपोथेसिस कहाँ कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, रेलिवेंट लिटरेचर रिव्यू करने से, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बना सकते हो, इंट्यूशन गट फीलिंग आपकी अच्छी है तो आप उसे बना सकते हो, अथॉरिटी आप किसी अथॉरिटी बंदे से आइडिया लेके हाइपोथेसिस बना सकते हो, ठीक है, जैसे इसमें टीचर्स वगैरह आ जाते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से, एकेडमिक लिटरेचर से आपको हेल्प मिल सकती है हाइपोथेसिस डिवेलप करने में। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग 5 स्टेप्स हैं जो हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम नंबर 1 पे नल हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं, नंबर 2 पे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं, 3 पे हम अपना सिग्निफिकेंस लेवल बताते हैं, वो हमारे पास होता है α 0.05, ठीक है। फोर्थ में हम क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं और अपनी पी वैल्यू बताते हैं कि पी वैल्यू हमारी <0.05 आएगी तो उसका क्या मतलब होगा, अगर हमारी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आएगी तो उसका क्या मतलब होगा, और लास्ट में हम अपना कंक्लूजन ड्रा कर देते हैं कि हमारे पास हमने कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया और कौन सा हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट किया। ठीक है, ये आज का लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेडनेसडे को है, ठीक है, तो मारिए थोड़ी बहुत आप लोग कोशिश करना, ठीक है, इस टॉपिक पे आर्टिकल्स अगर आप लोगों को मिलते हैं तो वो आप डाउनलोड करके रखना, ठीक है, फिर हम उसी को थोड़ा सा इसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि बाकियों को भी हेल्प मिल जाएगी कि उन्होंने कैसे इस पे काम करना है, ठीक है, क्लियर है लेक्चर। और कोशिश किया करो आप लोग रिस्पॉन्स भी दिया करो, ठीक है, जैसे अटेंडेंस के वक्त फोड़ी फोड़ी आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, रिप्लाई आता है, ठीक है, जैसे मैं प्रश्न पूछती हूँ इसका भी रिप्लाई आप लोग फौरन दिया करो, ओके, अल्लाह हाफिज।